इससे सीटों का बंटवारा हुआ है, औपचारिक कोई बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी का दावा है, जो हमारी 6 सिटिंग सीटें हैं उसी पर हम लोग का दावा है। हम लोग चाहते हैं कि हम वो 6 की 6 रिटेन करें, पर अगर गठबंधन का कोई साथी इसमें से कोई एक सीट खासतौर पर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं मुंगेर सीट, तो उस पर हम लोग चर्चा जरूर कर सकते हैं, बट उसके विकल्प में हम लोग को कौन सी सीट मिलती है वो एक मजबूत आधार बनेगा। मंदिर मुद्दा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, यही आग्रह मैंने पिछले जो 3 विधानसभा के परिणाम आए उसके बाद भी मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं हम लोग को नुकसान होता है जब आप डेवलपमेंट के एजेंडे से आप हटते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा की जाती है और एनडीए गठबंधन से अपेक्षा की जा सकती है की जाती है कि विकास ही आपका मुद्दा होना चाहिए। 2014 का चुनाव भी हम लोगों ने विकास के आधार पर ही हम लोगों ने लड़ा था, हम लोगों का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास रहा था। तो मैं चाहता हूं कि 2019 का जो चुनाव हो उस पर भी प्राथमिकता विकास को दी जाए, नौजवानों की समस्याओं को दी जाए, किसानों की समस्याओं को दी जाए, वंचित वर्ग की समस्याओं को दी जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को दी जाए। जहां तक रही बात राम मंदिर की, लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा इस बात को माना है कि न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे।